हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी विद सचिन सर। आज की इस वीडियो में हम एरिया पेरीमीटर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। हर टाइप के क्वेश्चन को आपको सिखाऊंगा। पिछली बार आपने वादा किया था कि सर मैं वीडियो को शेयर करूंगा, तो आपने शेयर किया है और उस पर अच्छे खासे रिस्पॉन्स आए हैं, इसलिए मैं आपको फिर एक टाइप में इस वीडियो में आपको दो टाइप के क्वेश्चन लेकर आया हूँ और दोनों टाइप पर क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए और इस टाइप के सवाल को आप जवाहर नवोदय विद्यालय के पेपर में आ जाए तो उसे छोड़े ना। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, इसे मैं खुद बताऊंगा, इसके बाद आप खुद करेंगे, ठीक है। देखिए, 15 सेंटीमीटर वाली वर्गाकार टाइलों की संख्या जो एक कमरे के फर्श जिसकी माप इतना इतना सेंटीमीटर है यानी 3.6 मीटर गुणे 4.5 मीटर है को बनाने में लगेंगी होंगी। अब देखिए, यहाँ पर 15 सेंटीमीटर वर्गाकार टाइलों की संख्या, ये 15 सेंटीमीटर वर्गाकार टाइलों की संख्या, यही आपको ध्यान देना है, ठीक है। 15 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलों की संख्या और जिसकी माप ये दिया है, माप 3.6 × 4.5 मीटर। अब इसमें आपको ध्यान ये देना है कि ये सेंटीमीटर में है, किस में है, मीटर में है। जब भी आप इस टाइप के क्षेत्रफल को निकालेंगे, टाइलों की संख्या को, पट्टियों की संख्या को, तो इसमें आपको बहुत ध्यान देना है कि ये किस में दिया गया, ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में, ठीक है। लगाएंगे कैसे आप, जो यहाँ पर माप दी गई है इसका क्षेत्रफल ऊपर लिखेंगे और जितनी वर्गाकार टाइलों को लगाना होगा उसका क्षेत्रफल हम इसी से भाग कर देंगे, उसके क्षेत्रफल से हम भाग कर देंगे, ठीक है। फिर से चलो डायरेक्ट समझाते हैं आपको। ये क्षेत्रफल इसका दिया गया है जो आयताकार माप होगी, तो इसका क्षेत्रफल ये लिखा है, मान लीजिए मल्टीप्लाई में, ठीक है। जो ये दिया है वर्गाकार टाइलों की संख्या, ये वर्ग है और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर। तो ये 15 सेंटीमीटर है और ये मीटर में है दोनों, तो इन्हीं को हम क्या करते हैं, सेंटीमीटर में बना देते हैं, ठीक है। तो देखो, ये 3.6 मीटर है, एक सेंटीमीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर, गुणे 100 कर देते हैं, गुणे 4.5 गुणे 100 कर देते हैं, ठीक है। अब इसको लिखेंगे तो 3600 हो गया, एक अंक के बाद पॉइंट, गुणे इसको लिखेंगे तो 4500, एक अंक के बाद पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर जो भाग करेंगे हम, ये 15 सेंटीमीटर वर्गाकार टाइलों की संख्या, तो ये सेंटीमीटर में, अब ये भी सेंटीमीटर में सब बन गया, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर। तो 15 को हम दो बार लिख देते हैं, ठीक है, इसी को क्या करना है, दो बार लिख देना है। जो छोटी एक भुजा दी होगी उसी को दो बार लिख के भाग कर देना है, 15 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसे हम काटेंगे तो देखिए, 15 से काटेंगे, 15 × 45 और 15 × 0 इधर हम लिख देते हैं, काटने के बाद 30 आ गया। फिर 15 से काटेंगे इसको तो दो बार जाएगा, 15 × 30 यानी इसको काटने पर 2 आया। यहाँ पर लिखा कितना है, 360.0, मतलब 360 ये सही सही, उसके बाद पॉइंट के बाद 0, तो 36 × 3 करेंगे, 2 करेंगे 36 × 72 यानी 720 हो जाएगा, ठीक है, 720 टाइलों की संख्या होगी। स्पेस कम है लेकिन समझने में आपको आसानी 100% होगी, क्योंकि यहाँ पर देखो मीटर, इसको हमने सेंटीमीटर में बदल दिया 100 से गुणा करके, तो एक अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद पॉइंट है। 15 से काटा, 15 × 45 15 × 0 यानी 30 बार, फिर 15 से काट दिया, दो बार गया, 2 से इसमें गुणा कर दिया हमने, आया 720, यही आपका उत्तर होगा। इसी टाइप की एक सवाल आपके सामने आ रही है, आप उसे करके दिखाएंगे, ठीक है। ध्यान समझिएगा, पहले आप इसको मीटर या सेंटीमीटर जो भी होगा, दोनों रेशियो सेम है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, इसे आप लिखेंगे और इसका क्षेत्रफल यानी इसी को दो बार लिखकर भाग कर देना, ठीक। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, आप बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। तो दोनों जन पटक दे, एकदम छितरा जाएगा, तुम अपना अपना नहीं लगाता, क्या दूसरे का डिस्कस करता। चलिए भाई, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। कह रहा है एक हाल की बीमाएं 20 मीटर × 12 मीटर है। अब देखो इसमें कह रहा है 4 मीटर वाली भुजा वाली वर्गाकार टाइलों की संख्या जिनसे फर्श पाटा जा सके। अब बहुत ध्यान दीजिएगा, ये मीटर में ये भी है, ये मीटर, ये मीटर, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कर ली होंगे हमारे ख्याल से, लेकिन फिर भी देखते हैं, एक मिनट आपको टाइम दिया जा रहा है, करिए। चलो भाई कर ली होंगे, देखो ये 20 × 12 मीटर लिखा है। अब ये वर्गाकार भुजा, हम बताएं इसका क्षेत्रफल लिखना पड़ेगा, तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर यानी 4 को आप दो बार लिखेंगे, भुजा के स्क्वायर 4 × 16, 4 से काटिए, 4 × 3 12,
चार पंचे 20, यहाँ 5 बचा, यहाँ 3, 5 तीन कितना होता है 15, यानी इसमें 15 आ जाएगा उत्तर। ठीक है, समझ में जरूर आया होगा। तो इसका जो है 15 उत्तर बिल्कुल सही होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 2। इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपके सामने और आ रहा है, दिमाग लगाइए और बताइए इसका उत्तर क्या होगा। चलो भाई बताओ, एक हाल की बीमाएं 4.8 मीटर गुणे 3.6 मीटर है, करा 1.2 मीटर वाली कितनी वर्गाकार टाइलें उसके फर्श को पाट सकती हैं। जल्दी करिए आप, उसके बाद हम आपको बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। जल्दी से लगाइए, इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। बताओ भाई, एक हाल की बीमाएं 4.8 गुणे 3.6 मीटर में है, 1.2 मीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलें फर्श को पाट सकती हैं, बताइए। देखो, लगा ली होंगे हमारे ख्याल से आप, 4.8 गुणे 3.6। अब इसमें दिक्कत इसलिए ना, क्योंकि ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा के स्क्वायर यानी इसको 2 बार लिख देंगे। ठीक है, एक अंक बाद पॉइंट, एक अंक बाद पॉइंट, सब कट गया, 12 3 36 और 12 4 48। ठीक है, 4 और 3 का गुणा करेंगे, 4 3 हो जाएगा 12। इसमें एक अंक बाद पॉइंट, इसमें भी एक अंक बाद कट गया, एक अंक बाद पॉइंट, एक अंक बाद पॉइंट। जब दोनों अंक पर बराबर समान पॉइंट रहे तो पॉइंट को काट दिया जाता है, इसको काट दिए हमने। ठीक है, 12 3 36 12 4 48 यानी 4 गुणे 3 आ गया कितना जी, आया हमारा उत्तर 12। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, इसी टाइप की एक सवाल और जो कि पेपर में आई थी, चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखो, है 8 मीटर गुणे 6 मीटर गुणा ही है, मान लीजिए कमरे फर्श को ढकने के लिए 4 डेसीमीटर भुजा वाली वर्गाकार वाली कुल टाइलों की संख्या क्या होगी। अब यहाँ पर आपको बहुत अच्छा दिया, ये तो मीटर में है लेकिन यहाँ 4 डेसीमीटर कर दिया। अब भुजा को जब तक बराबर नहीं करोगे, या तो मीटर को डेसीमीटर में बदल दीजिए, या फिर डेसीमीटर को मीटर में बदलिए, या फिर मीटर को डेसीमीटर में बदलिए, 2 बातें हैं, दोनों में से आप कुछ एक करिए, आप लगाइए एक बार, देखते हैं क्या करते हैं। चलो भाई देखिए, आपको बता देते हैं कैसे बदला जाएगा। ये डेसीमीटर है, इसको पड़ा रहते हैं, ऐसे पड़ा रहने दीजिए। ठीक, मीटर है, मीटर है, इसी को हम चेंज कर देंगे। तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है, तो 8 गुणे 10 कर देंगे गुणा, 6 गुणे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और नीचे 4 डेसीमीटर है भाई, हमने बताया भुजा है और ये वर्गाकार है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा के स्क्वायर, यानी 4 को 2 बार लिखना पड़ेगा, 4 2 8 हो गया, 2 से काटेंगे 2 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 2 3 6 हो जाएगा, ऊपर 3 बचा और यहाँ 2 0 300। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से ये सवालें क्लियर हो गई होंगी, इसमें आपको 0 डाउट होगा, 100% क्लियर हो गया होगा कि हाँ सवालें कैसे लगती हैं। बस थोड़ा सा इसको ध्यान देना कि मीटर डेसीमीटर में आएगा तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये क्षेत्रफल आयतन किताब में दिया गया है, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा। नहीं याद होता है तो मैं इसकी एक ट्रिक बता दूंगा आपको, जिससे कि आप 100 से ज़्यादा फार्मूले खुद से बना सकते हो। ठीक है, तो उसको बोर्ड पर ही बताऊंगा और उसी पर बढ़िया होगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, 2 क्वेश्चन इसमें और लेंगे हम, लेकिन दूसरे टाइप का, टाइप सेकेंड है। चलो भाई, दूसरे टाइप का एक क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है, उसका क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है, तो आयत की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसी टाइप के सवाल 2022 में पूछी गई थी इस बार के पेपर में, कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है, तो उसका परिमाप उसमें दिया था, इसमें क्षेत्रफल दिया है, बस फर्क इतना है, इसमें लंबाई चौड़ाई पूछ रहा है, उसमें क्षेत्रफल पूछा था और परिमाप दिया, परिमाप नहीं दिया था। तो भाई इस क्वेश्चन को आप ध्यान से नोट कर लीजिए, ये आपके एग्जाम्पल के सवाल है, हो सकता है कि इस बार यही मिल जाए, हो सकता है कि इस बार यही आपके पेपर में आ जाए। तो डायरेक्ट इसकी अगर हम ट्रिक देखें तो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई कह रहा 10 मीटर अधिक है, क्षेत्रफल क्या है 200 वर्ग मीटर। अब जब आयत होता है तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई,
इसका मतलब ये है कि लंबाई और चौड़ाई का गुणा करने पर 200 आ रहा है, बात तो यही है। कह रहा उसका क्षेत्रफल, तो भाई अगर हम लंबाई चौड़ाई पता कर लें तो उसका गुणा करेंगे तभी तो 200 आएगा क्षेत्रफल, तभी तो 200 होगा। तो इन जो ऑप्शन दिया है इसमें से हम ट्राई करते हैं, 20 और 10 का गुणा करेंगे तभी 200 होगा, पहला ऑप्शन सही है। और भी चेक कर लेते हैं, 15 और 10 का गुणा करेंगे 150 होगा, ये तो होगा ही नहीं। इसका गुणा करेंगे कुछ और होगा, 15 5 75, 15 2 30, 7 37, 375 होगा। इसका गुणा करेंगे 750 होगा। तो गुणा करने से किसका आया, 20 × 10 करें तो आया 200। जब हमने 20 × 10 किया तो आया 200, मतलब कि यही ऑप्शन सही होगा, और किसी का गुणा करने पर 200 आएगा नहीं। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई 20 मीटर और 10 मीटर है, ठीक। थोड़ा सा आप दिमाग लगाया करें कि हाँ क्या कह रहा है, क्या पूछेगा, तो आप थोड़ा जल्दी उत्तर बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक आयताकार हाल की लंबाई और चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है, लंबाई ग्रेटर देन चौड़ाई है, यदि हाल के फर्श का परिमाप 206 मीटर, तो इसके फर्श का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन 2022 का है और आपके एग्जाम में पूछा गया था। देखो अभी इसी टाइप का क्वेश्चन हमने आपको बताया था, उसमें क्या दिया था भाई, क्षेत्रफल दिया था, तो हमने ऑप्शन से कर लिया। इसमें परिमाप दिया है, और परिमाप दिया है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कह रहा है हाल की लंबाई और चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है, इसका मतलब यल माइनस बी बराबर 23 है, ठीक। यल माइनस बी बराबर 23 है, लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितना है 23 है। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि यल माइनस 23 बराबर क्या हो जाएगा बी, ठीक। यल माइनस 23 बराबर क्या हो जाएगा बी। तो यहाँ पर आयत का परिमाप का सूत्र हमारा क्या होता है, 2 × l + b। और यहाँ पर परिमाप भी दिया है 206, तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा 103। अब 103 आया, यहाँ पर क्या है l प्लस बी, यहाँ पर क्या है l, और बराबर माइनस 23 बराबर b। तो इसको अगर हम थोड़ा सा दिमाग और लगाएं तो कुछ काम ये हो गया कि ये 23 है और ये क्या है 103 है, इसको जोड़ दीजिए, 3 × 3 = 6 = 2 = 1, 2 से भाग कर दीजिए तो 63 आ जाएगा, ठीक। और ये हमारी जो 63 आएगा ये लंबाई होगी, 63 में अगर हम 23 घटाते तो बचेगा 40, ठीक, ये चौड़ाई होगी। अब 40 × 63 करिए तो हो जाएगा 2520, यानी आपका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अभी आपको समझने में कहाँ से दिक्कत हो रही है, चलो एक बार फिर से देखते हैं। देखिए लंबाई माइनस चौड़ाई बराबर 23 है, परिमाप 2 × l + b होता है, बराबर कितना है 206 है, 2 से काटेंगे तो 103 होगा। अगर इनको हम जोड़ दें तो ये b से b कट जाएगा और l l जुड़ेगा 2l हो जाएगा, इधर जुड़ेगा 3 × 3 = 6 = 2 = 1, यानी कि 2 × 12 2 × 3 = 6 = 6, 63 लंबाई हमारी 63 आ गई, ठीक है। अब लंबाई का मान अगर हम किसी भी समीकरण में रखें, यहाँ पर रखें या फिर यहाँ पर रखें, तो लंबाई और चौड़ाई में करा है 23 मीटर का अंतर है, लंबाई 23 है तो अंतर कितना है 23 मीटर का, यानी जो चौड़ाई होगी वो 63 में 23 घट कर आएगी, यानी 40 बचेगा, ठीक, 63 में 23 घट कर आएगा तो बचेगा 40। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 63 × 40 कर देंगे, ठीक, ये लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये हो जाएगा 2520, यही उत्तर हो जाएगा, ठीक। आप समझे होगे, नहीं समझे तो एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करना, और अगर फिर भी नहीं समझ आएगा तो बताना, फिर मैं बोर्ड पर सीधा बताऊंगा, इसको थोड़ा विस्तार जाएगी लेकिन अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टाइप के क्वेश्चन लेकर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।